किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम किसानों के, जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करें, जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत